हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ जिसको वर्टिकल गार्डनिंग कहते हैं उसके बारे में बताऊंगी। इसमें वी यूज़ वर्टिकल स्पेस जो हम लोग के वॉल पे होती है और ये टेलर मेड हो जाती है। यू कैन मेक इट अकॉर्डिंग टू योर साइज़, जिस तरह की वॉल है और कहाँ फेस करना है और जहाँ फेस करती है आपकी ये वॉल जिसमें आपने वर्टिकल गार्डनिंग करनी है या बनानी है, उसमें उस लोकेशन पे डिसाइड करेगा कि आप कौन से प्लांट्स उसमें यूज़ करोगे। ये देखिए, ये मेरा वेस्ट फेसिंग है तो मैं वो प्लांट्स यूज़ करती हूँ जो थोड़े से हीट रेजिस्टेंट हों, जो थोड़े सन लविंग हों, क्योंकि वेस्ट में आफ्टरनून सन थोड़ा स्ट्रॉन्ग आता है। अगर आप मॉर्निंग सन यूज़ कर रहे हैं, ईस्ट फेसिंग बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा और टेंडर प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन दीज वर्टिकल गार्डनिंग्स का गार्डन। कई बार आप इसमें खाली फ्लावर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक लेवल में रेड, एक लेवल में पिंक, एक लेवल में येलो, इस टाइप से। और ये जो वर्टिकल गार्डनिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है और ये आपको नर्सरीज में भी मिल जाता है। इसके लिए क्या होता है, इसमें छोटे छोटे पॉट्स होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ वो पॉट्स। ये देखिए, मैं एक ये निकालूँगी, थोड़ा सा दूर से देखते हैं ताकि आइडिया हो जाए। ये देखिए, रुकिए, ये बहुत इजीली निकलता है। थोड़ा सा नीचे पुश किया और ये निकल के आ गया। ये देखिए, ये मेरा निकल गया है और वो स्पेस है। इसमें लूप्स बने हुए हैं और इसमें बस इसको पुश करके, ऐसे पुश करके अटैच हो जाता है। ये मैंने ऊपर कैलेंकोई लगाया हुआ है, कलेंचू जिसको कहते हैं। ऊपर रेड फ्लावर्स आएंगे और नंबर टू पे मैंने ग्रीन सिंगोनियम लगाया हुआ है और आपको ये दिख रहा होगा रेड कलर का थर्ड वाले में लगाया है। फिर लास्ट वाले में मैंने स्पाइडर प्लांट्स लगाए हैं और ये स्पाइडर प्लांट्स जो होते हैं ये नीचे आते हैं तो ये इसके जो स्पाइडर जो नीचे हैं इसकी रनर्स नीचे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और आप इनको, ये एक निकल गया, मैं अभी लगा दूंगी। आप ना इनको स्पेयर भी बना के रख सकते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे स्पेयर बना के रखे हुए हैं। ये देखिए स्पेयर बना के रखे हुए हैं और इनको आप चेंज भी कर सकते हो व्हेनेवर यू वांट। और इसकी जो सॉइल होती है वो बहुत वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और इसमें थोड़ा कोकोपीट ज़रूर डालिए, क्योंकि इसका मिट्टी का जो वॉल्यूम है, जो क्वांटिटी है, वो बहुत कम आती है। छोटे पॉट्स हैं, देखिए ये पॉट का साइज़ बस इतना ही पॉट का साइज़ होता है, छोटा है ये। तो फिर इसमें हम लोग को कोकोपीट रखनी चाहिए ताकि कोकोपीट वाटर रिटेन करता है, तो उससे क्या होगा, बहुत देर तक वाटर रहेगा इसमें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।